there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. प्रश्न संख्या एक, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 74/245 को अपनाया, जिसने 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। ऑप्शन 1, 2019, ऑप्शन 2, 2018, ऑप्शन 3, 2017, ऑप्शन 4, 2016। सही उत्तर 2019 है। 19 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 74/245 को अपनाया, जिसने 4 दिसंबर को बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया। यह सतत विकास के वित्तपोषण और जानकारी के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंकों की महत्वपूर्ण क्षमता की मान्यता में घोषित किया गया था। यह जीवन स्तर के सुधार में योगदान देने के लिए सदस्य राज्यों में बैंकिंग प्रणालियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना के लिए भी घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 2, दिसंबर 2020 में आईआईटी रोपड़ ने आईआईटी पूर्व छात्र परिषद के साथ भागीदारी की है। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद, एनआईआईटी संस्थान और मेगाफंड के माध्यम से जीसीई पंजाब में कितने करोड़ रुपये की धनराशि की सुविधा प्रदान करेगा? ऑप्शन 1, 30, ऑप्शन 2, 40, ऑप्शन 3, 50, ऑप्शन 4, 60। सही उत्तर 40 करोड़ रुपये है। आईआईटी रोपड़ ने आईआईटी पूर्व छात्र परिषद के साथ भागीदारी की है। यह भारत इनोवेशन कम्युनिटी I2Net पहल के तहत एग्रीटेक और पानी के क्षेत्र के भीतर प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र GCE की व्यवस्था करेगा। आईआईटी पूर्व छात्र परिषद, एनआईआईटी संस्थान और मेगाफंड के माध्यम से GCE पंजाब में 40 करोड़ रुपये की धनराशि की सुविधा प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या 3, 2020 के लिए अपनी ताज़ा रैंकिंग में गृह मंत्रालय द्वारा किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? ऑप्शन 1, खरसंग, ऑप्शन 2, झिलमिली, ऑप्शन 3, नोनपोक सेमगई, ऑप्शन 4, कलीघाट। सही उत्तर नोनपोक सेमगई है। मणिपुर के थौबल जिले में नोनपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। इसकी घोषणा गृह मंत्रालय ने 2020 के लिए अपनी ताज़ा रैंकिंग में की। सरकार थानों के अधिक प्रभावी कामकाज को प्रोत्साहित करने और उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने के लिए देश में हर साल 16,671 में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों का चयन करती है। प्रश्न संख्या 4, दिसंबर 2020 में जर्मन सरकार ने फार राइट समूह वुल्फ ब्रिगेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1, वर्ष 2010, ऑप्शन 2, वर्ष 2012, ऑप्शन 3, वर्ष 2014, ऑप्शन 4, वर्ष 2016। सही उत्तर 2016 है। जर्मन सरकार द्वारा एक फार राइट समूह वुल्फ ब्रिगेड 44 पर प्रतिबंध लगाने के बाद 180 से अधिक पुलिस अधिकारियों ने 1 दिसंबर 2020 को 3 जर्मन राज्यों में घरों पर छापा मारा। फार राइट समूह वर्ष 2016 में स्थापित अपने विरोधी और जातिवादी विचारधारा के लिए भी जाना जाता है। इससे पहले वर्ष 2020 में जर्मन सरकार ने कॉम्बैट 18 और नॉर्डडलर सहित अन्य फार राइट समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कैडेटों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया? ऑप्शन 1, उमर फैयाज, ऑप्शन 2, मनदीप सिंह, ऑप्शन 3, संतोष बाबू, ऑप्शन 4, राजेश औरंग। सही उत्तर उमर फैयाज है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कैडेटों के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया है। इसका नाम लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के नाम पर रखा गया है,
जो 2017 में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कैडेट विजय बहादुर को पहले कमांडेंट्स मोटिवेशन अवार्ड, लेफ्टिनेंट उमर फयाज, राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट ट्रॉफी और प्रदर्शन में समग्र सुधार प्रदर्शित करने के लिए रजत पदक प्रदान किया गया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. प्रश्न संख्या 6। दिसंबर 2020 में स्टेफनी फ्रेपार्ट पुरुषों की चैंपियंस लीग खेल की पहली महिला रेफरी बनी। उन्होंने किस वर्ष में यूरोपा लीग की शुरुआत की? ऑप्शन 1 वर्ष 2020, ऑप्शन 2 वर्ष 2019, ऑप्शन 3 वर्ष 2018, ऑप्शन 4 वर्ष 2017। सही उत्तर 2020 है। 2 दिसंबर 2020 को स्टेफनी फ्रेपार्ट पुरुषों की चैंपियंस लीग खेल की पहली महिला रेफरी बनी। फ्रेपार्ट ने पहले ही लीग एक में रेफरी बनने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास बनाया और लिवरपूल और चेल्सी के बीच 2019 यूएफा सुपर कप फाइनल की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अक्टूबर 2020 में यूरोपा लीग की शुरुआत की। प्रश्न संख्या 7। किसने चैंपियंस लीग के खेल में डायनामो कीव पर 3-0 से जुवेंट्स की जीत के दौरान अपने करियर का 750वां गोल लगाया? ऑप्शन 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन 2 नेमार, ऑप्शन 3 सर्जियो रामोस, ऑप्शन 4 एंड्रिया पिर्लो। सही उत्तर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग के खेल में डायनामो कीव पर 3-0 से जुवेंट्स की जीत के दौरान अपने करियर का 750वां गोल लगाया। उन्होंने अब तक रियल मैड्रिड के लिए 450, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 118, पुर्तगाल के लिए 102, जुवेंट्स के लिए 75 और स्पोर्टिंग के लिए 5 गोल किए हैं। रोनाल्डो 2020 के सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुने गए उम्मीदवारों में से हैं। प्रश्न संख्या 8। दिसंबर 2020 में भारत और अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 बौद्धिक संपदा, ऑप्शन 2 शिक्षा, ऑप्शन 3 स्वास्थ्य, ऑप्शन 4 स्वच्छता। सही उत्तर बौद्धिक संपदा है। अमेरिका और भारत ने दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा IP सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से सार्वजनिक और साथ ही उद्योग, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास R&D और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए IP पर कार्य, अनुभवों और इस तरह की अधिक जानकारी का विवरण प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों और आयोजनों का संचालन करने में मदद मिलेगी। वाणिज्य मंत्री के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग DPIIT ने संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय USPTO US के वाणिज्य विभाग की एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न संख्या 9। दिसंबर 2020 में निम्न में से किसने श्रीनगर में एक शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता शेर ए कश्मीर का आयोजन किया जिसमें पूरे कश्मीर के युवाओं ने भाग लिया? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन 2 भारतीय वायुसेना, ऑप्शन 3 भारतीय सेना, ऑप्शन 4 सीमा सुरक्षा बल। सही उत्तर भारतीय सेना है। भारतीय सेना ने श्रीनगर में एक शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता शेर ए कश्मीर का आयोजन किया जिसमें पूरे कश्मीर के युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 50 से अधिक युवा बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के युवाओं की ऊर्जा को प्रसारित करना था ताकि वे विचलित न हों और गलत रास्ते का चयन ना करें। प्रश्न संख्या 10। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसको अपने व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में नामित किया? ऑप्शन 1 जिल अल्पर, ऑप्शन 2 एमी डेजी, ऑप्शन 3 टीना फ्लोरनॉय, ऑप्शन 4 सारा फ्लॉन्डर्स।
सही उत्तर टीना फ्लोरनॉय है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने टीना फ्लोरनॉय को अपने व्हाइट हाउस प्रमुख के रूप में नामित किया। फ्लोरनॉय ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कर्मचारियों के प्रमुख के रूप में काम किया है। फ्लोरनॉय ने अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टीचर्स, एक संघ जिसमें 1.7 मिलियन सदस्य हैं, में सार्वजनिक नीति के लिए क्लिंटन के सहायक के रूप में कार्य किया। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.